नमस्कार, स्वागत है आपका अपनो राजस्थान में। मैं हूं वर्तिका आपके साथ और हम नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। सांसद सीपी जोशी ने लिया संसद कार्रवाई में हिस्सा। प्रतापगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाने को लेकर सदन के माध्यम से सरकार से किया आग्रह। पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़ ने किया डिडवाना का दौरा। डिडवाना पुलिस के अधिकारियों की बैठक। पंचायत चुनाव की विशेष तैयारी को लिए कर दिए निर्देश। कोरोना से बिगड़ते हालातों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने राज्य सरकार से सप्ताह में 2 दिन पूर्ण लॉकडाउन करने की रखी बात। कहा, महामारी से रोकने के लिए ये एकमात्र उपाय। अब खबरें विस्तार से। डीडवाना सर्किल क्षेत्र के जसवंतगढ़ थाना अंतर्गत लेड़ी गांव से गत 8 सितंबर को फिल्मी स्टाइल में अपहरण की गई युवती को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। साथ ही इस मामले के मुख्य आरोपी को भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। नागौर पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़ ने बताया कि गत 8 सितंबर को लेड़ी गांव में आरोपियों ने युवती के घर से परिजनों के साथ मारपीट कर युवती को जबरन उठाकर ले गए थे। बताया गया कि इससे पूर्व मामले में 8 और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं इस घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त किए गए 4 वाहन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी अमित कुमार सीकर जिले के तारपुरा गाँव का रहने वाला है और उसी ने युवती के अपहरण की साजिश रची थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, अभी पुलिस की पूछताछ चल रही है। जो पूछताछ के बाद जो बात सामने आएगी उसी के आधार पे कानूनी रूप से विधि सम्मत निर्णय लिया जाएगा। जिला पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़ ने डीडवाना का किया दौरा। इस दौरान उन्होंने डीडवाना पुलिस के अधिकारियों की बैठक भी ली और कानून व्यवस्था, दर्ज प्रकरणों व परिवादों की समीक्षा भी करी। साथ ही कोरोना संकट के बीच हो रहे पंचायत चुनाव के दौरान विशेष सतर्कता बरतने और COVID-19 की गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन करवाने के निर्देश भी दिए। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय गुप्ता और पुलिस अधीक्षक गणेशाराम सहित कई पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। अभी चूंकि अब की बार के जो पंचायत के चुनाव हैं वो कोरोना के मद्देनज़र हो रहे हैं और कोरोना जो है अभी आज के टाइम पे पूरे पीक पे पहुंच चुका है। उसमें कोरोना की जो हिदायतें हैं मेन जो है जिस पे अपन फोकस करते हैं, एक तो सभी मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। सभी जो बूथ हैं उनमें संवेदनशील, अति संवेदनशील, इसमें सबसे पहला तो यही ध्यान रहेगा कि लोगों को भी और पुलिस के लोग भी, सभी जाब्ते के लोग भी, सभी इन सावधानियों का पालन करें। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रदेश में कोरोना से बिगड़ते हालात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार को प्रदेश भर में सप्ताह में 2 दिन पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करनी चाहिए। पूनिया ने कहा कि कोरोना से प्रदेश में बिगड़ते हालात के मद्देनजर रखते हुए सरकार को तुरंत प्रभाव से डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की अंशक तालीम भर्ती करनी चाहिए, जिससे अस्पतालों में हो रही चिकित्सा कर्मियों की कमी को दूर किया जा सके। साथ ही स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्रालय ये सुनिश्चित करे कि प्रत्येक अस्पताल में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो। सांसद सीपी जोशी ने संसद की कार्यवाही में भाग लेते हुए लोकसभा में नियम 377 के तहत लोक महत्व के विषय संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के प्रतापगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाने के लिए सरकार से सदन के माध्यम से आग्रह किया। सांसद जोशी ने लोकसभा में बताया कि संसदीय क्षेत्र के चित्तौड़गढ़ के प्रतापगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता है। राजस्थान में 33 जिलों में से 30 जिलों में ही मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हो गई है, लेकिन संसदीय क्षेत्र का प्रतापगढ़ जो कि एक जनजातीय बहुल्य का क्षेत्र है, वहां पर भी मेडिकल कॉलेज खोले जाने की अत्यंत आवश्यकता है। सांसद जोशी ने सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन भी किया कि प्रतापगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति प्रदान की जाए से काटलावासियों को बेहतर चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिल सके। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद मुरादाबाद के थाना मझोला के बुद्धि विहार में उस समय सामने आया जब उत्तर प्रदेश सरकार में SC ST आयोग के सदस्य साध्वी गीता प्रधान की स्कॉर्पियो गाड़ी पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया और गाड़ी के शीशे तोड़कर फरार हो गए। साध्वी गीता प्रधान इस समय लखनऊ में होने के कारण उनके भाई के द्वारा थाना मझोला को पुलिस को अवगत कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनाक्रम का जायजा लिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक समल यमुना प्रसाद के आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल के कुशल निर्देशक तथा
पुलिस क्षेत्र अधिकारी चंदोसी अशोक कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ के अभियान में कोतवाली प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने मैं पुलिस टीम के चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर समल रोड पर मित्तल के खेत में बंद पड़ी मेथा फैक्ट्री के पास बने कमरे में अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए दो अभियुक्तों शकील व सत्यवीर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्तों से 11 बने व 3 अधबने, कुल 14 अवैध शस्त्र, 10 जिंदा कारतूस तथा हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। अभियुक्तों से पूछताछ में बताया कि वह इन हथियारों को, बंदूक को 12,315 बोर के तमंचे को 6,000 व 12 बोर के तमंचे को 4,500 रुपए में बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करते थे। आज 15 तारीख को 15/9/2020 को SHO देवेंद्र कुमार शर्मा चेकिंग में थे। इसी दौरान उनको सूचना मिली कि कुछ लोग चंदौसी संभल रोड पे एक मित्तल जी का कोई खेत है, वहाँ पे मेहता फैक्ट्री का बनाने की फैक्ट्री थी जो अभी समय बंद है, उस कमरे में कुछ लोग वहाँ पे असलहे का निर्माण। झालावाड़ जिले के 23 परीक्षा केंद्रों पर PTET व BEd परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसकी पहली पारी में 4,131 तथा दूसरी पारी में 5,451 परीक्षार्थी शामिल हुए। PTET परीक्षा के आयोजन हेतु COVID-19 दिशा निर्देशों के अनुपालन को भी सुनिश्चित रखा गया और बिना मास्क पहने किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं करने दिया गया। साथ ही प्रत्येक परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर रहे परीक्षार्थियों को सैनिटाइज से हाथ साफ करने की हिदायत भी दी गई तथा परीक्षा कक्ष में भी सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन करते हुए सीमित संख्या में परीक्षार्थियों को बिठाया गया। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पे समय से 1 घंटा पूर्व पहुँचने के निर्देश दिए गए थे। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा भी COVID-19 अनुपालन हेतु विशेष निगरानी रखी गई। बास्को स्थित नईनाथ धाम में 14 मेले के दौरान श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता लगा रहा। श्रद्धालु मंदिर के गेट पर पूजा करते हुए नजर आए। इस दौरान काफी संख्या में दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने मंदिर के गेट पर माला, प्रसाद, दूध, जल चढ़ाकर अपने परिवार की सुख शांति की मनोकामना मांगते हुए नजर आए। मंदिर के गेट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस दौरान श्रद्धालु मंदिर के गेट पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में दर्शन करते हुए नजर आए। जबकि इस समय लॉकडाउन के दौरान मंदिर के गेट बंद है, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं में काफी आस्था जुड़ी हुई है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ दर्शन करवाया गया। नईनाथ धाम में 14 का मेला है और यहाँ पर काफी दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु मंदिर के गेट पर दर्शन करते हुए नजर आए। जबकि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यहां पर मंदिर के गेट बंद हैं। श्रद्धालु मंदिर के गेट पर माला, प्रसाद, जल, दूध चढ़ाते हुए नजर आए। इस दौरान श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। झालावाड़ में भाजपा जिला अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला मीडिया प्रभारी विवेक दुबे ने बताया कि अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान तथा शहर के स्टेशन रोड, मामा भांजा, डाक बंगला इलाके में मास्क, सैनिटाइजर का भी वितरण किया गया। संगीन परिस्थितियों में लापता हुआ 14 वर्षीय किशोर का मामला सामने आया है। दरअसल 2 दिन पहले घर से लापता हुए किशोर की साइकिल नहर में मिली। नहर में साइकिल मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, बादलपुर थाना क्षेत्र के बंबागढ़ गांव से घर से साइकिल लेकर निकला था और यह हादसा हो गया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने बच्चे को रेस्क्यू कर ढूंढने का प्रयास कर रही है। वही अब तक ग्रेटर नोएडा के चारजा थाना क्षेत्र के प्यावली रसूलपुर नहर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ट्रैफिक पुलिस की गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है कि अब राहत चलते किसी को भी बुरी तरह मारा पीटा जा रहा है। ऐसा ही एक नजारा नगर विधायक रितेश गुप्ता के घर के बाहर गांधीनगर पब्लिक स्कूल के पास दिखाई दिया, जहां एक होमगार्ड संजीव कुमार ने एक ई रिक्शा चालक को बुरी तरह पीटा और उसका चालान काटने लगा। जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि होमगार्ड संजीव कुमार ने ई रिक्शा चालक को रोककर उससे अवैध वसूली करनी चाहिए। जब रिक्शा चालक ने रिक्शा नहीं रोकी तो होमगार्ड संजीव कुमार को गुस्सा आ गया और उसने रिक्शा चालक को सरेआम पीटना शुरू कर दिया और गाली गलौज भी करी। वहीं नगर विधायक के क्षेत्र में इस तरह की गुंडागर्दी ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जा रही है, लेकिन इस ओर किसी का भी कोई ध्यान नहीं है और इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, प्रशासन के लिए काफी अनिवार्य है।
कोरोना वायरस महामारी के बीच सोमवार से 18 दिनों के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राज्यसभा में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान बिल 2020 पास हुआ। वहीं सदन में कोरोना वायरस पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस में इस मुद्दे पर भी सरकार से सवाल किए। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने लॉकडाउन को किस आधार पर लगाया गया इसको लेकर सरकार से सवाल किया। कोरोना वायरस महामारी के बीच सोमवार से 18 दिनों के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राज्यसभा में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान बिल 2020 पास हुआ। वहीं सदन में कोरोना वायरस पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार से सवाल भी किए। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने लॉकडाउन को किस तरह आधार पर लगाया गया इसको लेकर सवाल सरकार से सवाल जवाब भी किया। दूसरी तरफ कोरोना पर चर्चा के लिए कम समय दिए जाने पर सांसदों ने हंगामा भी किया। सरकार ने इस दौरान सदन को बताया कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। साथ ही यह भी बताया कि पिछले 6 महीने में पाकिस्तान और चीन की तरफ से सीमा पर कितनी बार घुसपैठ की घटना हुई। फिलहाल राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। गुजरात में गोधरा कांड के बाद 2002 में हुए दंगों के मामलों के एक दोषी को अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह पैरोल खत्म होने के बाद से 2 माह से फरार था। कृष्णा नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक JR पटेल ने मंगलवार को बताया कि दोषी कालू भैया राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राथमिक जांच से पता चला कि वह अपनी बीमार माँ की देखभाल के लिए पैरोल पर गया था, लेकिन उसने पैरोल का उल्लंघन किया। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत फिल्म इंडस्ट्री से में ड्रग को लेकर दिए अपने स्टेटमेंट को लेकर काफी लाइमलाइट में आ चुकी हैं। ऐसे में दिग्गज अदाकारा जया बच्चन ने संसद में अपना भाषण के दौरान फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे बवाल पर कमेंट करते हुए कहा कि ये लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। कंगना रनौत ने जया के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया कि कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने। एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल, आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। थाली देश की भक्ति नारी प्रधान फिल्मों से सजाई। यह मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। संसद में मॉनसून सत्र के दौरान सरकार से पूछा गया कि पिछले 6 महीने में कितनी बार सीमा पर पाकिस्तान और चीन की तरफ से घुसपैठ की घटना को अंजाम दिया गया है। इस पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि पिछले 6 महीनों में भारत चीन सीमा पर कोई घुसपैठ की सूचना नहीं मिली है, जबकि पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के बीच लंबे समय से सैन्य गतिरोध बना हुआ है। दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच रुक रुक कर झड़प की खबरें सामने आ रही है। भारत पाक सीमा पर घुसपैठ पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से फरवरी में 0, मार्च में 4, अप्रैल में 24, मई में 8, जून में 0 और जुलाई में 11 बार घुसपैठ की कोशिश की गई थी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए अपनो राजस्थान। नमस्कार।